वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का वीडियो लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 के विषय में देखा था, आज हम 3.2 के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हम सूत्र के बारे में समझेंगे कि 3.2 में कौन सा सूत्र होता है और क्या क्या होता है। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमने देखा था x का मान, y का मान छोटा छोटा वैल्यू होता है, तो उसमें हम y का x के प्रति नियत संबंध रेखा हम ज्ञात किए थे। y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस bx होता है। क्या होता है? y कैप बराबर a प्लस bx हमने देखा था, उसमें से हम y बार भी निकाल रहे थे, x बार भी निकाल रहे थे, a और b निकाल रहे थे, a बराबर कुछ सूत्र देखा था और b बराबर भी देखा। आज हमने क्या देखना है, आज के वीडियो में नया क्या है? सबसे पहले तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे इसका लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में नया क्या है इसके बारे में समझिए। आज के वीडियो में है, देखते हैं, कह रहा है जी एक्सरसाइज 3.2 का है, एक्सरसाइज 3.2 में हम चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर संबंध, लीनियर रिकर्जन। इसमें आज नया क्या है? इसमें नया ये है कि जब x और y का मान, इसके पहले वाले क्लास में हमने कहा था कि x बार और y बार का मान पूर्णांक में हो और अपूर्णांक में हो तो हम क्या करें, ये हमने पीछे पढ़ा था कि x बार और y बार का मान जब पूर्णांक में हो तो हम क्या करें। आज के वीडियो हम क्या देखने वाले हैं कि जो x की वैल्यू बहुत पिछले क्लास में x की जो वैल्यू थी वो बहुत छोटी छोटी थी, 4, 10, 12, 15 मान लीजिए 50 के नीचे वाली वैल्यू। आज के वीडियो में है क्या है, कह रहा है जब x और y का मूल्य काफी बड़ा परिमाण में होगा, 100 मिलेगा, 150 मिलेगा, 200 मिलेगा, 50, 100, 95 ऐसा मिलेगा x और y की वैल्यू, तो जब x और y की वैल्यू क्या हो जब बड़ा होता है तो उस स्थिति में x स्क्वायर करना है। मान लीजिए हमको x की वैल्यू 110 आ गया, अगर 110 का स्क्वायर करना, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, 504 आ गया, उसका स्क्वायर करना वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई की जब गुणा करते हैं तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी मिलती है। उस बड़ी वैल्यू से बचने के लिए हम क्या करेंगे अभी, तो उस बड़ी वैल्यू से बचने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है, इसको हम संक्षिप्त विधि के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स होगा। तो आप जानते हैं कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र होता है a प्लस bx होता है। आगे बात समझ, चलिए अभी पहला क्या है, यदि चलिए निकालना है आपको जी x और y का जब वैल्यू बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, u बराबर x माइनस a करेंगे। इसमें u v का टर्म, आप सेकंड चैप्टर नंबर 2 में भी u v वाला कांसेप्ट आप पढ़े थे, पढ़े ना। क्या जब u बराबर x माइनस a होगा, b बराबर y माइनस b करेंगे तो अब क्या है, b by x बराबर b u b, वही सूत्र है, x by था यहाँ पर u b कर दिया हमने, कुछ नया नहीं, यहाँ n sigma x by था ठीक है ना, अब यहाँ क्या है x का पर u है का b है, तो n into sigma u b minus sigma u into sigma b, इस तरह से आपको आएगा ठीक है, n sigma u b minus sigma u into sigma b बटे n sigma u का स्क्वायर minus sigma u का होल। अभी सूत्र इस बात देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, आगे के वीडियो में उसका चैप्टर पे सवाल सुन। अभी यदि u x minus a बटे c x को अभी दिया गया है इतना हो तो क्या करेंगे, b u b बराबर c by बटे c x का यूज करेंगे, या फिर n sigma u b minus sigma u into sigma b का यूज करेंगे, बटे n इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू सी बाय बटे सी एस। अब सी बाय सी एस क्या होता है, जब प्रॉब्लम आएगा तो आप अच्छे से समझने का इसको हम प्रयास करें। अभी नेक्स्ट सूत्र क्या है, जब न्यूमेरिकल सवाल छोटे छोटे दो दो मार्क्स वाले सवाल आते हैं, ये सभी सवाल जो सूत्र प्रयोग करेंगे तीन तीन मार्क्स में, चार चार मार्क्स में, पांच पांच मार्क्स में आपको आता है। अभी यहाँ क्या है आपको जरूरी, जब x बार y बार x स्क्वायर या x sx, sx का स्क्वायर या sx और sy का स्क्वायर sy पता हो, तथा cos x y हम जानते हैं,
कॉस एक्स वाई मतलब क्या होता है, कॉस एक्स वाई को हम सहविचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सहविचरण कहते हैं। कॉस एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं? सहविचरण कहते हैं। तो जब हमको सहविचरण तो बी बराबर क्या हो जाएगा? सहविचरण एक्स वाई यानी कॉस एक्स वाई बटे एक्स का विचरण, विचरण याद रखते हैं, एस एस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर है तो विचरण। अब ऐसे कहते हैं विचलन, विचलन और विचरण दो चीज होता है, एक होता है विचरण, अरे बात सुन, ये क्या होता है एक्स एक्स का स्क्वायर, वाई का है तो एक्स वाई का स्क्वायर, एक होता है विचलन, ये क्या होता है एक्स एक्स होता है, ये दोनों चीज ध्यान रखना, एक होता है विचरण एक होता है लन, एस एक्स हुआ विचलन, एस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया आपको विचरण, उसमें क्या कहेंगे b निकालना हो तो सर विचरण है एक्स वाई बटे एक्स का विचरण यानी cos एक्स वाई बटे एस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी और अब ये निकालना पता है आपको, यहां से b निकल गया, ये कैसे निकालेंगे? बाई बार माइनस बी एक्स का बार, यहां से निकल गया b, यहां से निकल गया तो हम a भी निकालने की जरूरत थी, इसको तो क्या होता है a प्लस बी एक्स, यहां से हमने क्या निकाला? बी निकाल लिया। अब हमको ये भी चाहिए, ये बराबर क्या होता है? बाई बार माइनस बी एक्स बार, ये तो आप पहले भी पढ़े थे, क्या होता है? अब यहाँ कॉस क्या हो जाएगा? एक्स वाई बराबर, कॉस एक्स वाई आपको नहीं दिया गया, यहाँ तो कॉस एक्स वाई है, अगर मान लीजिए सूत्र के अंदर कॉस एक्स वाई आपको नहीं दिया गया, कॉस एक्स वाई नहीं दिया गया है तो क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू बाई माइनस बाई बार करके इन कर देंगे, ठीक है। कुछ ज्ञात नहीं हो तो सिग्मा एक्स बाई माइनस एन एक्स बार बाय बार लेते हैं, एक्स बार बाय बार को पता हो और एक्स बाई पता हो और एन पता हो तो हम ये सूत्र है कॉस एक्स बाई का, ये भी कॉस एक्स बाई का ही है, कॉस एक्स बाई बराबर आई बात, कॉस एक्स बाई निकालना हो यानी क्या निकालना हो आपको? सहविचरण, एक्स बाई का सहविचरण, कॉस मतलब सहविचरण, क्या निकाल रहा हूँ? सहविचरण एक्स वाई का या कॉस निकाल रहा हूँ तो सिग्मा इनटू एक्स माइनस एक्स बार बाय माइनस बाय बार लेते हैं, और कॉस किसका सूत्र, एक सूत्र और भी होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार माइनस बाय बार लेते हैं। अब एस एक्स चाहिए, एस एक्स भी हमको नहीं ज्ञात है, क्या आपको विचरण नहीं ज्ञात है, एक्स का विचरण, एस एक्स मतलब एक्स का विचरण, स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे या सिग्मा एक्स का स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में। चलिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी आपको, ठीक है। ऐसे बाई का निकालना, बाई का शब्द कोई सिग्मा बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर बटे एन या सिग्मा बाई का स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा बाई का स्क्वायर बटे में, अरे बात समझ। आगे देख लीजिए फिर, अभी क्या है? अभी आपको एक बाई का प्रमाण पित्तल और एक्स का प्रमाण पित्तल दिया गया, तो बी बराबर आर इंटू बाई का प्रमाण पित्तल एक्स का प्रमाण विचलन, ये है विचलन, ये था सॉरी विचलन था, ये विचलन प्रमाण विचलन, ठीक है। तो बाई का प्रमाण पित्तल बटे एक्स का प्रमाण पित्तल और आर इंटू एक्स बाई बटे एस एक्स, अरे बात समझ। इस सूत्र का हम यूज करके अभी चैप्टर में सवाल को सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों प्रॉब्लम को देखेंगे फिर हम इन सही प्रॉब्लम को आसानी से देखेंगे। कोई डाउट? आप अच्छे से पहले इस सूत्र को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में अच्छे से कॉपी कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।